नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से सामने आ रही है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जी हां, बता दें कि बंधन बैंक की शाखा से बदमाशों ने करीब 10 लाख रुपए जो है वो उड़ा दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बंधन बैंक की शाखा में घुसे बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया और फिर 10 लाख रुपए लूट कर बैंक से फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात के बाद पुलिस महकमा में काफी ज्यादा हड़कंप जो है वो भी मच गया है और कहीं ना कहीं उस इलाके के जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, उन पर भी सवाल उठ रहा है। लूट की इस वारदात नगर थाना क्षेत्र के स्थित सिमरा बंधन बैंक की शाखा में हुई। हर दिन इस तरह की घटना जो है वो सामने आती ही रहती है और बैंक कर्मी अपने काम में वहां पर लगे थे और तभी नकाबपोश बदमाश जो है उस बैंक में ग्राहक बनकर घुसे और फिर बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर ले लिया। हथियार के बल पर बदमाशों ने बैंक में जमकर लूटपाट की और फिर करीब 10 लाख रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस जो है वो भी पहुंची और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज जो है उसको भी खंगाला जा रहा है और थानेदार ने बताया कि मामले की छानबीन जो है वो की जा रही है और बैंक कर्मियों से घटना की जानकारी भी ली जा रही है और जल्द से जल्द जो बदमाश होंगे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखिए, जहां लगातार बैंक में लूट की घटना जो है वो सामने आती ही रह रही है और इस बार अपराधियों ने एक बार फिर से बंधन बैंक में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। किस तरीके से ये अपराधी जो है वहां पर ग्राहक बनकर आए थे, पैसे निकालने के लिए आए थे, किसी काम से आए थे और फिर गन पॉइंट पर जो बैंक कर्मी वहां पर मौजूद थे उनसे करीब 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बता दें कि जो पुलिस अधिकारी है वो भी वहां पर पहुंचे हैं। जो बैंकों में या फिर बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो तमाम कैमरेज को खंगाला भी जा रहा है और जो बदमाश है उनकी पहचान भी की जा रही है। इसको लेकर पुलिस अधिकारी जो वहां पर पहुंचे हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी कौन था बदमाश, नहीं था, किस तरीके से, कहां से आया था, इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। लेकिन बता दें कि जैसे ही बदमाश बैंक में घुसे और पैसे लूटकर वहां से फरार हो गए, तुरंत ही बैंक कर्मी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने पुलिस को फोन किया और तमाम जो घटना हुई उसके बारे में जानकारी दी और मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच गई। और फिर पुलिस बता रही है कि अभी सारी चीजें जो है वो पता नहीं चली है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर था या फिर जो कैमरेज वहां पर लगे हुए हैं उन सब तमाम कैमरेज को खंगाला भी जा रहा है। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।